तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को पट्टा रिपेयरिंग करने के लिए बताएंगे कि पट्टा जो है रिपेयरिंग किस प्रकार से किया जाता है। तो दोस्तों यह SMPS है, आप देख सकते हैं कि यह SMPS लगा हुआ है और यह सर्किट लगा हुआ है। तो इसमें हम आप लोगों को लाइट दे के दिखाते हैं यह जलता है या नहीं। तो देखिए दोस्तों इसमें हम लाइट दे चुके हैं, तो मेरा पट्टा जो है नहीं जल रहा है, तो किस कारणवश नहीं जलता है तो इसे हम आप लोगों को जला के दिखाते हैं। तो दोस्तों देखिए इसमें हम SMPS जो है चेंज करके लाइट दिए हुए हैं, तो मेरा पट्टा जो है आधा जला हुआ है, आधा इस साइड का बंद है। तो बंद क्यों है इसका कारण हम आप लोगों को बताएंगे। तो दोस्तों इसका SMPS चेंज करने से मेरा पट्टा जो है चलने लगा है, तो चलिए जो आधा पट्टा मेरा नहीं चल रहा इसे भी हम आप लोगों को जला के दिखाते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरा पट्टा जो है पूरा अभी चलने लगा है। तो इस पट्टा में जो है इस जगह से वायर टूटा हुआ था, तो हम हर वायर को जोड़ के जो है इसमें सोल्डिंग कर दिए हैं ताकि ये छूटे नहीं, इसीलिए के इसमें हम सोल्डिंग कर दिए हैं। तो दोस्तों मेरा यह पट्टा जो है फर्रेस हो चुका है, जो भी गड़बड़ी था वह हम सही कर चुके हैं। तो दोस्तों इसका SMPS हम चेंज किए तो मेरा पट्टा जो है पूरा चलने लगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरा पट्टा पूरा चलने लगा है। तो इसी प्रकार से दोस्तों पट्टा को रिपेयरिंग किया जाता है। दोस्तों अगर यह मेरा वीडियो आप सब लोगों को पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।